छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सलियों की मौत, 3 जवान घायल। रिपोर्टों के मुताबिक बीजापुर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सलियों की मौत हो गई है। मारे गए 7 नक्सलियों में से 5 महिलाएं थीं। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हो गए हैं। बीजापुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि शुक्रवार की सुबह जिले के इप्पन गांव के पास एक जंगल में बंदूकें हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस की एक कुलीन विरोधी नक्सल इकाई छत्तीसगढ़ के सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों की उपस्थिति के बारे में एक टिप ऑफ के बाद अंतर्राज्यीय सीमा के साथ जंगलों में एक संयोजा अभियान शुरू किया था। जब गश्त दल पेरा में था, दोनों पक्षों के बीच आग का आदान प्रदान टूट गया। बाद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से 7 अल्ट्रा के निकायों को बरामद किया। गर्ग ने कहा कि खोज ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि कुछ हथियार और नक्सल साहित्य भी साइट से जब्त किए गए थे। पूर्व महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस कमांडो और CRPF कर्मियों के साथ मुठभेड़ में कई नक्सलियों की मौत के कुछ दिन बाद ही यह आया। मुठभेड़ अल्ट्रा के बीच भामागढ़ में कुंससुर जंगल में और CDP कमांडो की एक विशेष मुकाबला इकाई CRPF के 9वें बटालियन के कर्मियों समेत सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में टूट गई थी। पुलिस महानिरीक्षक नक्सली अभियान शरद शेलार और स्थानीय RSP अभिनव देशमुख ने कहा कि जंगल में छिपकर नक्सलियों से सुरक्षा बलों को आग लग गई और प्रतिशोध में निकाल दिया गया। सिर्फ एक दिन बाद गढ़चिरौली में पुलिस ने एक नए मुठभेड़ में कम से कम 4 विद्रोहिया की हत्या कर दी थी। शेलार ने कहा कि जिले के जिमलगाटा इलाके में राजा रामखंडला जंगल में बंदूक युद्ध हुआ था। एक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिला पुलिस के कुलीन C-60 कमांडो ऑपरेशन में शामिल थे।